तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज वीडियो में लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए माइनक्राफ्ट में पूजा भी लॉन्चर के सेटर पैक जो कि आपको चाहिए था भाई। तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बोल देना बता देना चाहता हूं भाई, क्योंकि मेरे अभी देखो मैं अभी रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं क्योंकि मेरे को इस सेटर पैक के बारे में कुछ दिन पहले ही पता चल चुका था। वैसे ही कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है, जिस दिन रिलीज़ हुआ था उसी दिन मेरे को पता चला था। बट मैं अभी अल्टरनेट करके वीडियो डालने वाला हूं, मतलब कि एक दिन छोड़ करके एक दिन डालूंगा क्योंकि मेरे मैथ्स से एग्ज़ाम है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता हूं भाई। और हाँ भाई, अभी तक मेरे को ज़्यादा मोड्स में वगैरह में व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं जल्दी जून में गेम प्ले स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि अभी मेरे एग्जाम है इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। और हाँ, पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया भाई कि आवाज़ कैसा, क्या हो गया। तो मैं बता देता हूँ, पहले जो मैं रिकॉर्ड करता था वो बिना इसी माइक के होते थे, तो बिना माइक के कारण काफ़ी ज़्यादा नीचे पीछे से नॉइज आते थे, तो मेरे को उसको 3 बार एडिट करना पड़ता था। एक बार मेरे को काइन मास्टर में, उसके बाद नॉइस रिड्यूसर में करने के बाद एडिट, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो भी पीछे के वो भी म्यूज़िक रहता था भाई वो भी म्यूट करता था नॉइस रिड्यूसर, तो मुझे उसको 3रा बार फिर से एडिट करना पड़ता था। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ में भी चेंजेस आ जाते थे, प्लस मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती थी। बट इस बार माइक का आने की वजह से अब हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इसलिए मेरे आवाज़ भी चेंज हो गई। और बता दिया मैंने कि क्या करने वाले हम लोग आगे जा करके, भी अल्टरनेट होकर वीडियो भी आएंगे, तो चलो जान लेते हैं अब इसको कैसे एक्टिव करना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम लोग कोई भी वर्जन में वर्ल्ड बना लेते हैं भाई। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वर्जन 1.16.3 का, तो आप लोग जो भी चाहे वो वर्जन बना सकते हो। मैंने इसको 1.8.9 में भी चला के देखा भाई, सर्वर सपोर्ट कर देता है उतना टाइम तक, तो देख ही सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एक नया वर्ल्ड, तो इसको जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जब तक ये जनरेट हो रहा है मैं आपको एक और बात बता देता हूँ भाई। तो हाँ, कि मेरे मैम एग्जाम हो गए तो मैं हो सकता हूँ मैम ज़्यादा अपलोड ना करूँ, तो ऐसा मत सोचना कि मैंने यूट्यूब क्यूट कर दिया। सब्सक्राइब मत मारना भाई, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। मैं शायद अपलोड ना कर पाऊँ तो इसका ऐसा मत सोचना, जून में वापस से अपलोडिंग शुरू हो जाएगी, चिंता मत करना। तो देख सकते हो अब यहाँ पे फिर से हम लोग हो चुका है फाइनली वर्ल्ड का जनरेशन गाइस। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप का इसका सेटअप है भाई, और लैग काफ़ी तगड़ा वाला आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि मेरा फोन भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, 4 GB का फोन है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है भाई, इसलिए काफ़ी गंदा तगड़ा वाला लैग देखने को मिलता है। फिर भी लेकिन भगवान के भरोसे हमारा सेटअप चल चुका है, तो देख ही सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको सेटअप देखने को, यहाँ पे शैडो देखने को मिल जाएगी प्लेयर की, बाकी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पेड़ पौधे भाई उसका सेटअप देखने को मिल जाएगा। और वैसे पीसी का पूरी तरह से सेटअप का लुक नहीं है, क्योंकि पीसी के सेटअप का तो लुक ही काफ़ी अलग रहता है भाई, उसकी सन रेज भी काफ़ी मस्त निकलती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप फिर भी है फोन के हिसाब से भाई। फोन में इतना तगड़ा सेटअप मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट फिर भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो काफ़ी मस्त है इसका लुक है भाई। और देख ही सकते हो काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है गाइस, तो इसको दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें 3 सेटअप देखने को आपको मिलेंगे, तो मैं तीनों एक एक करके दिखा दूंगा आपको कि तीनों किस टाइप का दिखता है। तो ये देखो, ये तो मेरा सबसे पहला सेटअप है भाई, इस सेटअप का नाम है चोकोपिक सेटअप। तो मैं सबसे पहले आपको इसको ऑफ करके दिखा देता हूँ किस टाइप का दिखता है। यहाँ पे देखो आपको कैसे इसको ऑफ करना है, ऑप्शन में जाना है आपको, ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो सेटिंग्स दिख रही है, इस पर क्लिक कीजिएगा, सेटअप पैक पे क्लिक कीजिएगा, और सेटअप पैक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे सारे सेटर दिख जाएंगे। ऊपर में आपको ऑफ का बटन भी दिख रहा है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ऑफ के बटन पे क्लिक करोगे आपका सेटर ऑफ हो जाएगा, लेकिन ऑफ करते हैं आपको बटन पे क्लिक करते ही तुरंत आपका सेटर ऑफ नहीं होता है, कुछ ही टाइम आपका लेता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सेटर ऑफ कर दिया, कुछ इस टाइप का इसका लुक है बिना सेटर के, काफ़ी बेकार है। चलो इसको ऑप्शन में जा करके वीडियो सेटिंग में जा करके आप अगला सेटर है वो एक्टिव करके दिखा देता हूँ। ऐसे हम लोग चौक पिक देख लिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका अगला सेटर जो कि है कूमा सेटर, जिसको मैं दिखाता हूँ इसको भी एक्टिव करके और बताता हूँ इसमें क्या है अलग। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी कुछ इस टाइप की आपके मोजेंग स्टूडियो की एक लोडिंग स्क्रीन आ जाएगी, जिसको आपको लोडिंग होने देना है। तो जब तक ये लोडिंग हो रहा है थोड़ा सा इंतजार करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग हो चुकी है, अब यहाँ पे डन करते हैं और यहाँ पे भी डन कर लेते हैं। तो दोनों साइड मैंने डन कर लिया, अभी इसको बैक टू द गेम कर लेते हैं। तो देख सकते हो ये आ रहा है अपना कूमा सेटर गाइस, तो ये काफ़ी अलग टाइप का सेटर है उससे, क्योंकि फर्स्ट चोकोपिक सेटर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट सेटर था, ये थोड़ा सा मीडियम में है गाइस, ये ज़्यादा ब्राइट नहीं है और ज़्यादा डार्क भी नहीं है, तो काफ़ी ये भी काफ़ी मस्त सेटर है। बाकी अपना दिखाता हूँ मैं आपको तीसरा सेटर, तो तीसरा सेटर अपना है स्वेस सेटर, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको भी एक्टिव करके। तो ये देखो ये है अपना स्वेस सेटर, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डन और इसको भी कर देते हैं एक्टिव। तो देख सकते हो ये एक्टिव हो चुका है। तो ये है डार्क सेटर, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा डार्क नहीं है बट थोड़ा मोड़ा डार्क है, ऐसा लग रहा है कि रात होने वाली है बट असली में रात नहीं होने वाली भाई, इसका ये मतलब रंगी ऐसा। जिसको डार्क सेटर पसंद है भाई ये लगा सकते हो, बाकी अगर जिसको मीडियम पसंद है तो वो कूमा लगाओ, और जिसको ज़्यादा ब्राइट पसंद है वो चोकोपिक लगा सकते हो। चोकोपिक काफ़ी मस्त है, वो उसका भी काफ़ी मस्त लाइटिंग है, प्लस आपको कूमा का ज़्यादा अच्छा, कूमा का भी काफ़ी मस्त है भाई, ठीक है। तो बाकी देखो अभी मैंने
मैं आपको चौको पिक लगा के दिखा देता हूँ। ये देखो कितना काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है भाई, काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में भी, और इसमें प्लेयर शैडो भी काफ़ी अच्छी तरह से दिखती है। बाकी साथ तीनों में भी आपको प्लेयर शैडो देखने को मिल जाती है। तो चलो अब मैं बता देता हूँ आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसको एक्टिव कैसे करना है और किस तरह से आप इसको चला सकते हो अपने वर्ल्ड में। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता देता हूँ आपको, इसमें वाटर में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपका वाटर जैसे नॉर्मल रहता है उसी टाइप का देखने को मिलता है, तो इसी टाइप का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे वाटर में भी। तो चलो गाइस मैं बता देता हूँ आप लोग इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो और इसको इनेबल कैसे कर सकते हो अपने वर्ल्ड में गाइस। और हाँ गाइस, जिसके फ़ोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं है, उनके अच्छा से वर्क नहीं करता, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके क्रिएटर वहीं लोगों ने बताया भाई, तो देख सकते हो जो लिखा हुआ है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शॉर्ट आउट, तो गाइस तो आज का शॉर्ट आउट जाता है मिस्टर रेहान को, तो शॉर्ट आउट टू यू डूड। इसी तरह से कमेंट करते रहो गाइस, अगर आप लोग भी शॉर्ट आउट पाना चाहते हो तो जाके अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अप्लाई कर दो जल्दी से। तो सबसे पहले अगर आपको इसको डाउनलोड करना थिएटर को, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा चोकोपिक शेडर, कुमा शेडर और यहाँ से शेडर, तो तीनों में से आपको जो डाउनलोड करना बता दो कैसे डाउनलोड करना है। नीचे आपको जाना है और यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा है रिलीजेस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे देख सकते हो फाइनली रिलीजेस पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी इसके क्रिएटर है उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उन सारे लोगों ने मिलकर क्रिएट किया भाई। तो यहाँ पे देखो आपको असिस्ट क्लिक दिख रहा है, नीचे असिस्ट क्लिक करना, यहाँ पे आपको तीनों सेटर देखने को मिल जाएंगे, जो भी डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कर देना। जैसे मैंने चॉकोपिक पे क्लिक किया, तो यहाँ देखो चॉकोपिक का यहाँ पे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। जिसको भी आपको डाउनलोड करना है जस्ट सिंपल क्लिक कर देना, सीधे सिंपल डाउनलोड हो जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है, कोई भी ज़्यादा ऐड वगैरह भी नहीं लगे हुए भाई, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी डाउनलोड करने में। ओके, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने तीनों फाइल को डाउनलोड कर लिया, आप लोग चाहो तो एक को भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं जाएगा मल्टी सेलेक्ट में ऑन करता हूँ और तीनों फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और तीनों फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको कर देना यहाँ से कट। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कट। कट करने के बाद आपको डिवाइस मेमोरी में जाना पड़ेगा, डिवाइस मेमोरी में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा पूजा भी लॉन्चर डॉट माइनक्राफ्ट में, और यहाँ पे आपको एक सेडर पैक का यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा, इसमें आपको जा करके इसको पेस्ट कर देना है। तो सेडर पैक के फोल्डर में पेस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे दो प्रोसेस से आप लोग इसको चला सकते हो, एक आप लोग फॉरगेस से चला सकते हो और दूसरा ऑप्टिफाइन से चला सकते हो, बस ये दो प्रोसेस से आप लोग चला सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे फॉरगेस डाल के रखा है 1.16.3 का, जो कि मैंने वर्जन में चलाने वाला हूँ, ठीक है। फॉरगेस में आप लोग मोड्स में जाकर डाल देना अगर आपको फॉरगेस से चलाना है, अगर आपको ऑप्टिफाइन से डायरेक्ट चलाना है तो बता दूंगा कैसे चलाना है ऑप्टिफाइन से डायरेक्ट। और हाँ गाइस, बहुत सारे लोगों को डॉट माइनक्राफ्ट का फोल्डर नहीं मिलता है, तो आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, फाइल लिस्ट में जाएगा और सो हिडन फाइल्स का आपको यहाँ पे इनेबल बंद रहता है भाई, इसको इनेबल करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको डॉट माइनक्राफ्ट का फोल्डर इनेबल दिखता है भाई, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता भाई। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग फॉरगेस से चाहो तो फॉरगेस से चला सकते हो, आपको जस्ट मोड वाले फोल्डर में जाकर ऑप्टिफाइन पेस्ट करना रहता है। अगर आप लोग डायरेक्ट ऑप्टिफाइन से चलाना चाहते हो तो ऑप्शन में जाकर के आपको लॉन्चर मोड में जाकर के यहाँ पे आपको जो भी ऑप्टिफाइन चलाना है भाई उस पर क्लिक कर देना। यहाँ जैसे मैंने 1.16.5 पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो ऑप्टिफाइन अपना यहाँ पे लोडिंग लेना स्टार्ट हो चुका है। जब आपका इस टाइप का स्क्रीन आता है तो आपको किसी चीज़ पर भी क्लिक नहीं करना है, इसको होने देना है, आपका ये ऑटोमेटिकली आपको वही स्क्रीन पर वापस से रीडायरेक्ट करवा देगा, आपको किसी भी चीज़ को ऊपर से क्लिक वगैरह नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे वापस खुल जाएगा ये पेज। आपको दिखा देता हूँ मेरा यहाँ पे ऑप्टिफाइन भी आ चुका होगा, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ कहाँ गया भाई, तो देख सकते हो 1.16.5 का ऑप्टिफाइन आ चुका है, लेकिन मैं इसको ऑप्टिफाइन से नहीं चलाऊंगा, मैं इसको फॉरगेस से चलाऊंगा। तो यहाँ पे फॉरगेस सेलेक्ट कर लेते हैं 1.16.3 का और उसके बाद प्ले कर लेते हैं गाइस। तो देखो मैंने 1.16.3 वर्जन क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे मोड्स वाले फोल्डर में 1.16.3 का ही ऑप्टिफाइन डाला हुआ है। आपको जो भी ऑप्टिफाइन मतलब फॉरगेस से खेलना है भाई, तो जहाँ भी आपको ऑप्टिफाइन डालना होगा वही डालना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, जो भी आपको डालना पड़ेगा मोड्स वाले फोल्डर में ही डालना पड़ेगा। आपको जो भी ऑप्टिफाइन डालोगे वही वर्जन का आप लोग खेल सकते हो, बिना आप लोग ऑप्टिफाइन डाले नहीं चला सकते हो सेटर को, क्योंकि इसमें आप बिना ऑप्टिफाइन के आपको सेटर को ऑप्शन देखने को ही नहीं मिलता है गाइस। तो गाइस आज की नंबर इतना ही रखते हैं गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना मत भूलना गाइस, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपना इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लो। अपना शॉर्ट प्लान चाहता हो तो जाकर अप्लाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जल्दी शॉर्ट आउट के लिए अप्लाई कर दो। आज की नंबर इतना ही, मिलते हैं गाइस अगले गेम एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर गाइस।